हेलो भाइयों, राम राम, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? तो भाई आज है 10 तारीख, हम सो के उठ चुके हैं। 5:30 के मैं सो के उठा हुआ हूँ, लेकिन ये लोग लेडीज़ ना बहुत लेट करती हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे 1 घंटे बाद सीधा दिल्ली के लिए, ठीक है? और ये हमारे सारे साथ यहाँ लगे पड़े फ़ोन में, ठीक है? यहाँ से निकलेंगे और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हम लेके आए हैं, ठीक है? अभी नाश्ता वास्ता बन रहा है और ये ना भैया भैं भैं कर रही है। हेलो, कहाँ गए हमारी छुटकी? ये है गाड़ी जिसमें हम आए थे, हेलीकॉप्टर हमारा। ये पूरा देख सकते हो, सुबह का दिन। ये मंदिर है, ये अपना घर है, ये पूरा गार्डन है। अमृतसर पंजाब, रास्ते में तुम्हें खेत दिखाऊंगा मैं। प्रॉमिस याद है? ये है अमृतसर के खेत। नींद कैसी आए बिना भुट्टा के? सोचा था रखनी है, भुट्टा कहाँ से मिले? बुढ़िया कहाँ हो? एकदम सब शांत हो गया हो? जहाँ शांत रह रहा वहाँ तो चिल्लाए नहीं जी भर के। हाँ। ये बाबा जौन पहाई ने पूरे दिन लगे रहे हैं। यही तो रहा यार खेतवा, यही तो रहा खेतवा। ओ खेतवा खेतवा, यहाँ से राइट मार के लेफ्ट लेना ना। तो नागो की मोड़ निकल जाएंगे। अमित की शादी में हम इधर से गए थे। नागो की मोड़ इधर अमृतसर है। अमृतसर वा अमृतसर नहीं, अभी इधर ही है जाना हो तो। इधर से ये शॉर्टकट रास्ता है, इधर से हम लोग जा। शॉर्टकट? हां ये शॉर्टकट है, ऊपर से लंबा पड़ता। ट्रैफिक भी नहीं है इधर तो। हां यार दीदी, इधर से भी जा सकते हैं। इधर से वो औरतें आ रही है ना। हां हां उधर से भी जा सकते हैं। ये देखो भुट्टे। यार यही खेत में पके पके भुट्टे मेरे कलेजे पे, छाती पे सांप। दो चार भुट्टा तोड़ने दो यार। बाबू प्लीज, ये सामने ही है यार। सारे भुट्टे मेरे को छोड़ के चले जा रहे हैं। यार आगे भी तो है। हाय गाइस, हम आ गए हैं जलंधर की हवेली, जो कि हवेली रेस्टोरेंट है और ये सबसे मेन हवेली यही है। इसी को देख के जगह जगह हवेली हवेली वो खुल गए रेस्टोरेंट। ये देखो तांगा है पुराने ज़माने का, और ये हम इस ये मतलब पूरा स्टेज ऐसे बना रखा है गाँव की तरह बिल्कुल। इसमें आप एंट्री करोगे, घूमने जाओगे अंदर, तो मतलब अलग अलग तरीके का बहुत अच्छी चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पर गाँव टाइप में। और ये सब हमारे साले साहब है, उनकी वाइफ है और ये हमारी वाइफ है और गुड़िया है गोद में। तो ये देख सकते सब बना रखा है। इसमें अगर आप इंटर करोगे देखने जाओगे तो यहाँ पर बंदे का 100 रुपये टिकट लगता है। यहाँ पे घूमने का बना रखा है और जो उसके बगल में वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रेस्टोरेंट में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पुराने पुराने ज़माने की आपको चीज़ें मिलेगी। पहले लोग गाँव में क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे मतलब रजाइयाँ बनती थी, ये सब बनता था सारा। जैसे गाँव में झुग्गियाँ होती थी, कैसे लेंटर होते थे, सब कुछ बना रखा पुराना, बहुत अच्छा है।
ये पी सकते हो। और ये 100 रुपये में 1 किलो है लस्सी, मस्त है, जबरदस्त। पटेला भी बहुत पुराना है। चार पाई बना रहे हैं ऐसे, पापा बनाते थे गांव में, हमारे दादा ही बनाते थे। ये सब कितनी पुरानी अलमारी लकड़ी की, हम बहुत खेलते थे। हमारे इंडिया में क्या क्या नहीं होता था। ये चक्की, हवेली हवेली, चार भाई बिछी है। कितना पुराना है ये घर है, तो डाइनिंग टेबल है और सामने जो कितना पुराना टीवी चल रहा है। भगत सिंह ऊपर जाने का रास्ता है, कितना पुराना टीवी चल रहा है। ये गुरदास मान है, शीशे में खड़ा हुआ। अच्छा नल होता था उस टाइम पे, सवारी वाला। चलो ऊपर चलते हैं, आओ। ये देखो बना रखे पकड़ने वाले, पहले एंगल नहीं हुआ करते थे, ये हुआ करते थे। ओ ये मोर देखो, थाम लीजिए। और ये देखिए बिस्तर वो रखा है, आराम से सो यहाँ पे। पुराने बर्तन सब संजो के रखा हुआ है यहाँ पे। सूबेदार पहले ऐसे हुआ करता, लैंडर हुआ नहीं करता था कई गांव में, तो अभी भी है। ऊपर देखो ओए मोटी अनुमा ये सेना की भर्ती है, म्यूजिक सिस्टम। पीछे बनी हुई गाड़ी, वही चक्की में आटा पीसने देते, तो उसकी तो अलग होगी फिर। अरे ये तो कितने पुरानी डोली है, दुल्हन की डोली। इतनी लंबी गाड़ी हुआ करती थी ये, फिर संभाल के रखी पैंट सेंड करके। पीछे साइकिल रख ली, दूधिया वो होता था कठपुतली का, झूला झूला पुराना झूला। कौन कौन झूला है कमेंट में बताना जरूर। ये रिक्शे ठेले, ये बताओ क्या है ये साइकिल, साइकिल के ऊपर है धार लगाने वाला चाकू, निकल नहीं रहे जम पड़े, ताले चाबी वाला। रेस्टोरेंट है, छोटी झुग्गी, वो है पुराने संदूक देखो कितने हैवी है, ओरिजिनल लकड़ी का। खाने घर में पंखा भी होता।
ये लगा रखा है लोगों के लिए, पंखा हाथ वाला हुआ करता था, बीच ना पकड़ के खींचते थे ना। ये पुराने स्विच स्विच चलो इसके तो मैं पूरे ले लूंगा। आओ उनको ये देखो, गांव ये बैलगाड़ी खेती हो रही है, ये खेती हो रही है, देखो बैल हल चला रहे हैं। ये देखो ईट है, भट्टा होगा यहाँ पे, देखो हाँ ये भट्टा है, ईट होगा भट्टा। ये नंबर डाल का घर है, जय श्री राम मंदिर है, ये गुरुद्वारा, ये वाहेगुरु पेड़। यहाँ से आउट हो गए उधर है, यहाँ से हो गए इन, ठीक है 100 रुपये की पर बंदे की टिकट। ये गलियारा लाल टंडा की, गाड़ी हमारी ये खड़ी है, ऐसे निकल के रोड है ये, और क्यों जाएगा ऐसे, चल लो ठीक है, इतना बोलते हो सब कर ले तो अपना दिमाग चलाए, इनसे बोलते पाजी बैठे हुए यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे हमारा। आप तो गड्ढे में गाड़ी लेके जाओगे। मैं सोच रही हूँ रोड तो इधर है, गाड़ी इधर ले, जब चीज नीचे उतार के चला रहे, मैं क्या फिर वापस मुड़ रहे है ना। दिन में सही है कि अभी मतलब डे टाइम में जा रहे हैं हम यहाँ से, हाईवे ऑन रहे तो फिर हाईवे में तब तक हम कहाँ पहुँचे होते, हाईवे में भी तो डर लगता है, हाईवे में जल्दी गाड़ी कभी ना रुके, हाईवे तो दिन रात चलता है 24 घंटे।
बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी और फिर यहीं के बाद प्रॉब्लम हुई थी, अब फिर यहीं के बाद अच्छे से जाएंगे। खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। हवेली खरीदी है तुम्हें? यहाँ कहाँ से चल रहे हो? गन्ने का जूस पीने के लिए, चाय पीने से अच्छा गन्ने का जूस पियो गर्मी में। लड़ी है पेड़ में, क्या लड़ी? थक गया मैं, गरम धरम। आपू तुम्हारे होटल में आ गए हम, गरम धरम में तुम्हारे फेवरेट हीरो धर्मेंद्र और ये हमारे साले साहब की भूख। हाँ भाई भूख लग रही है, भूख ए भूख लग रही है, ए हमें भी लग रही है। चार बजे सुबह से घुमा घुमा के हमने गरम गरम प्रभु सुबह से भटकाए भटकाए, 11 बजे रिले आ रहा है गाड़ी, 6 बजे खाना मिल पा है आज। ये वीडियो बनेगी, इसे फोटो खींचेंगे, दो चार मिनट होगी। एक जगह रुको, फोटो खींचूंगी। रुको इधर देखो, सामने से देखो दीदी आप। हाँ अरे लो ये जा रही है गाड़ी चलाने, आज तक स्टेयरिंग नहीं पकड़ा, देखो नाम से बोल रहे लाडू। गरम धरम हम बच चुके हैं, कमरा कमरा गाड़ी रोक लिया हमें साइड में, तो ऐसा बहुत तगड़ा है तूफान, कोई हमें बचाने वाला निकालने वाला यहाँ से चिमनी।